Dear students, today's discuss asexual reproduction. Asexual reproduction, the offspring is formed without the union of sex cell or gametes. Means asexual reproduction mein kisi bhi single parents ke through kisi new young ones ko provide kiya ja sakta hai. Asexual reproduction reproduction ka aisa type hai jisme koi bhi single parents ek new living beings ko provide kar sakta hai. Isme sex cell aur gametes form up nahi hote hain, matlab nahi bante hain. In this method the cell divides via mitotic division and produced genetically identical offsprings that similar to parents. Yahan par kaha jayega ki koi bhi living things is methods mein सेल माइटोटिक डिवीजन करती हैं और बनने वाला ऑफ स्प्रिंग्स पेरेंट्स के सिमिलर होता है. यहाँ पर वेरिएशन नेग्लिजिबल या ना के बराबर होती हैं. इसी प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली या डीपली समझने के लिए हमें कुछ मेथड्स को समझना होगा. फर्स्ट मेथड है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन को विखंडन कहा जाता है. In this method, the parent cell elongates, the nucleus divides into two daughter nuclei. यहाँ पर कहा जा रहा है कि binary fission asexual reproduction की ऐसी methods होती है जिसमें parent cell elongates होती हैं. Elongates मतलब होता है उनकी लंबाई में वृद्धि होती है. उनका nucleus equal दो daughter nuclei में divide हो जाता है. डिवाइड होने के लिए उन्हें ट्रांसवर्स सेक्शन डिसाइड करना होता है. ट्रांसवर्स सेक्शन का मीन्स होता है कि तिरछे में. यहाँ पर मिडिल पोर्शन से दोनों न्यूक्लियाई सिमिलर वे में मदर सेल से डिवाइड होने के बाद में दो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार करते हैं. इस प्रकार के फिजन को, इस प्रकार की मेथड को बाइनरी फिजन कहा जाता है. इसी में बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल को की बात की जाए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामेशिया. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास तौर से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगी में दिखाई देता है. इसी में हम बात करेंगे बडिंग. बडिंग कह सकते हैं हम कि बाइनरी फिजन का मॉडिफाई फॉर्म है. मॉडिफाई फॉर्म और भी अच्छे तरीके से इसमें प्रोसेस होती है. इट इज मॉडिफाइड type of fission found in yeast and certain bacteria. Budding एक ऐसी process है जो fission का एक modified form होने के साथ साथ कुछ bacteria और yeast cell में ही perform होता है. हम कह सकते हैं कि किसी भी cell का protoplasm, mother cell का protoplasm covered होकर या collect होकर एक thin membrane, एक पतली सी झिल्ली के form में तैयार हो जाता है, जैसे हम bulks कहते हैं. और यही झिल्ली मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक स्पोर या एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और धीरे धीरे ग्रोथ कर वो अपनी पेरेंट सेल से अलग हो जाती है. द डॉटर सेल देन बिकम सेपरेटेड फ्रॉम मदर सेल एंड प्रोसेस में बी रिपीटेड आइडेंटिफाइडली. यहाँ पर कहा जाता है कि जो छोटा सा बड अपनी मदर सेल से बनता है वो सेपरेट होकर एक पूर्ण डेवलप बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं. इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ डायग्राम्स जो दिए गए हैं. यहाँ पर आपको बता रहे हैं डायग्राम्स में कि किस प्रकार से ये बडिंग, यहाँ पर इन्होंने बोला है बाइनरी फिजन, ये अपना जो एग्जाम्पल है ये अमीबा का है. नेक्स्ट बात होगी स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज अ कॉमन प्रोसेस अमोंग एल्गी एंड फंगी. इस प्रकार का ये स्पोर फॉर्मेशन एक कॉमन प्रोसेस होती है जिसमें ज्यादातर ये एल्गी और फंगी में होती है. खास तौर से प्लांट ग्रुप डू नॉट प्रोड्यूस ट्रू एसेक्सुअल स्पोर. जो प्लांट होते हैं, जो डेवलप प्लांट्स होते हैं, वो स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं. इस वजह से ये प्रोसेस या स्पोर फॉर्मेशन सिर्फ एल्गी और फंगी में ही देखने को मिलता है. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन यूनिसेलुलर हो सकता है, बाय सेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है. बाय सेलुलर मीन्स द्विलिंगी भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स एक लिंगी भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर मीन्स बहुलिंगी भी हो सकता है. स्पोर फॉर्मेशन के एग्जाम्पल को समझने के लिए ब्लैक ब्रेड
का एग्जाम्पल लेंगे। ब्लैक ब्रेड सभी ने देखी है, ब्लैक ब्रेड पर जो माउल्ड जिसको हम फफूंद कहते हैं, जैसे साइंस में राइजोपस कहा जाता है, वहां पर छोटे छोटे से बबल्स उठते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप स्टडी करने पर देख सकते हैं हम कि वह स्पोर्स हैं, और वह स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर आपको माउल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। एसेक्सुअल की थर्ड मेथड है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर दोनों एक ही प्रकार की मेथड्स हैं। कहा जा सकता है कि इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज कैन कन्वेंशनली प्रोपोगेट थ्रू द टेक्निक ऑफ सेल टिश्यू और ऑर्गन कल्चर। माइक्रो प्रोपोगेशन एक डिमॉन्स्ट्रेटेड मेथड होती है जिसका इस्तेमाल हम कन्वेंशियली कई प्रकार के सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, कई प्रकार के ऑर्गन्स की ग्रोथ करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में हमें एक टिश्यू कल्चर मीडियम की आवश्यकता होती है, और सेल का कोई भी पार्ट जो कि ग्रोथ कर सकता है, जो कि लिविंग पीरियड में रह सकता है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन एक कमर्शियल प्रोसेस के रूप में भी जानी जाती है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, फर्स्ट है रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर हमको सुपीरियर क्लोन्स उसका तैयार करना है। हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने वांटेड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका क्लोन तैयार कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हम जरूरत से ज्यादा, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग, डिसीज फ्री प्लांट्स, बीमारी युक्त से मुक्त पौधों को, बीमारी से मुक्त फलों को प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेक्सुअली ड्राइव्ड स्टेलाइट्स हाइब्रिड। यहाँ पर हम कई प्रकार के सेक्सुअली ड्राइव्ड स्टेलाइट्स और हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम संकरण कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर वेराइटीज के प्लांट को ग्रोथ कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन एक बेस्ट टेक्निक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने टू काइंड अभी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी के अंदर कुछ बात होगी जो स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बताते हैं, कुछ स्पेशल मेथड्स जिनके थ्रू हम रिप्रोडक्शन को जानेंगे। फर्स्ट है एपोमिक्सिंग। एपोमिक्सिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एपोमिक्सिंग? एपो मीन्स होता है विदाउट, मिक्सिंग सभी को समझ में आ रहा है, मिक्स करना। तो यहाँ पर बिना मिले, एपोमिक्सिंग वर्ड जो है वो अपना मीनिंग यहाँ पर बताता है, बिना मिले। इट इज अ मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन विच फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब निकलता है कि एपोमिक्सिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियो? एम्ब्रियो होता क्या है? एम्ब्रियो इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग्स। एम्ब्रियो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बनने पर ही किसी न्यू लिविंग बींग्स की बर्थ या उसका अराइजिंग हो पाता है। तो यहाँ पर एपोमिक्सिंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन वर्ड से मतलब निकलता है कि किन्हीं भी दो पेरेंट बॉडी का या दो सेक्स बॉडी का आपस में मिलना या फर्टिलाइज होना। हम अपने दूसरे शब्दों में एपोमिक्सिंग को और इजी वे में बता सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज टू बी एपोमिक्सिंग। एपोमिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, इसमें फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एपोमिक्सिंग को अगेन डिवाइड किया गया है एपोगैमी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, और थर्ड है पार्थोजेनेसिस, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्थोजेनेसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थोजेनेसिस? पार्थोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पर एग सेल्स फर्टिलाइज नहीं होती हैं और एम्ब्रियो को तैयार करती हैं। यहाँ पर भी एम्ब्रियो तैयार होता है बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पार्थोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू कई प्रकार के फ्रूट्स, कई प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्पायरोगायरा, म्यूकर,
और कुछ फर्न प्लांट। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। नेचुरल पार्थेनोकार्पी इज फाउंड इन मेनी प्लांट्स। पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी ऑल्सो रिप्रोडक्टिव मेथड। यहां पर भी हम यही कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। समटाइम ओवरी डेवलप इन टू अ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। कहीं पर ओवरी डायरेक्ट डेवलप होकर फ्रूट्स बना लेती है लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करती है, तब हम इस मेथड को पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो कई प्लांट्स में देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना, ग्रेप्स, पियर, एप्पल, गुआवा एंड पपाया ऑल्सो। डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी ये आपके लिए वांटेड नहीं है। नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी नाम से स्पष्ट होता है, पॉली मीन्स बहुत, एम्ब्रियो मीन्स होता है बहुत सारे एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज सीट इज नॉन एज पॉली एम्ब्रियोनी। किसी भी फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कुछ सिट्रस फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो फॉलो करते हैं। सिट्रस फैमिली से मींस निकलता है ऐसे फ्रूट्स जो हमें स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन। इस प्रकार के जो फ्रूट्स हैं वो पॉली एम्ब्रियोनी रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर यही होता है कि फॉर्मेशन के जब उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एक साथ कई एम्ब्रियो तैयार हो जाते हैं। आज की क्लास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था हमारा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कई प्रकार के मेथड्स तैयार हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे की जो भी वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो आपको आसानी से पता चल जाए। थैंक यू।